भारत के उपराष्ट्रपति महामहिम श्रीमान वेंकैया जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी विदेश मंत्री श्रीमान जयशंकर जी, आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, मोदी एट 20 ड्रीम मीट डिलीवरी, आज मोदी जी के साथ जिन्होंने सालों तक काम किया है, ऐसे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया जी के हाथों से इसका लोकार्पण होने वाला है। मैंने पुस्तक को बारीकी से देखा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो लोग भारत के सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास में विश्वास करते हैं, जो लोग एक संपूर्ण व्यक्तित्व किस तरह से निर्मित हो इसके रास्ते पर विश्वास करते हैं, ये सभी लोगों के लिए, विशेषकर समाज सेवा और राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले सभी लोगों के लिए ये पुस्तक एक गीता बनकर आने वाले दिनों में उभरने वाला है। मैं आज इस पुस्तक के अंदर जो अलग अलग चैप्टर लिखे गए हैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, परंतु पुस्तक जिन पर है इनके बारे में बात करना चाहता हूं। जिस प्रकार का ऑडियंस मेरे सामने है, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी को 20 साल से जाना है, देखा है, मोदी जी की सफलताओं को देखा है, मोदी जी के 20 साल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के नाते भारत में और गुजरात में जिस तरह से परिवर्तन आया है इसको सभी ने देखा है। परंतु मैं राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी है नाते ये जरूर कहना चाहता हूं कि इसके पीछे जाना चाहिए। मोदी जी के 20 साल का अनुभव मोदी जी के इसके पहले के 30 साल का जब तक अध्ययन नहीं करते वो अधूरा रह जाएगा। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, एक छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सभी पॉलिटिकल पार्टियों में सबसे लोकप्रिय नेतृत्व बनने तक की सफर, और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर, अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना। मोदी जी के आगे के 30 साल 3 दशक संगठन के अंदर गुजरे, संगठन के कार्यकर्ता नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहजिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। और जो हम सब लोगों के लिए कुट प्रश्न है कि समस्याओं को समझने का इतनी बड़ी शक्ति मोदी जी में कहां से आती है, नीति निर्धारण करते वक्त छोटे से छोटे व्यक्ति के लिए नीति हो ये आग्रह कहां से आता है, और नीति सर्वसमावेशी हो, सर्वस्पर्शी हो, ये कुनेह कहां से आती है, उसका जवाब वो 30 साल के अंदर है। पहला हिस्सा उनका जीवन का परिश्रम, संवेदना, संवेदनाओं के साथ समस्याओं को समझना, समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढना, ये प्रक्रिया 30 साल चलती है, तब जाकर एक नरेंद्र मोदी सफल मुख्यमंत्री बनता है। लोगों की गरीबी, लोगों की समस्याएं, समाज के अंदर फैली अव्यवस्थाएं, लोकतंत्र के प्रति लोगों का उठता विश्वास, ये देखकर अगर दिल में टिस्क
खड़ी नहीं होती है, एक दर्द खड़ा नहीं होता है, तो दर्द जब तक खड़ा नहीं होता है कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन पाता है। ये संवेदनशील स्वभाव उनका जो है इसी में से इट्टीस की निर्मिति, दर्द की निर्मिति होती है और उसी में से सभी समस्याओं का समाधान निकला है। भारत के जनमानस को समझना, भारत की समस्याओं को समझना, भारत के समाज की सांस्कृतिक विविधताओं को समझना और समझते समझते भारत की संस्कृति पर अमाप गौरव का दिल में अकल्पनीय स्थान पैदा करना और समस्याओं के समाधान की दिशा में सोचना, इन्होंने एक प्रक्रिया ने ही मोदी जी को आज इस स्थान पर बिठाया है। 20 साल से मोदी जी ने कई उपलब्धियां हासिल की है, ढेर सारे लोगों ने इनका एनालिसिस भी किया है, खास कर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और गवर्नेंस के लिए मोदी जी ने जो उपलब्धियां हासिल की है इसका मूल्यांकन बहुत अच्छे तरीके से किया है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक ऐसे व्यक्ति का मूल्यांकन आप कर रहे हो जिसको मुख्यमंत्री बनने से पहले पंचायत चलाने का भी अनुभव नहीं था। मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले कोई चुनाव नहीं लड़े थे, पंचायत के सदस्य भी नहीं थे, और ऐसी व्यक्ति को अचानक भूकंप से पीड़ित एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है और उस वक्त बार बार चुनकर आना और इतना यशस्वी तरीके से गवर्नेंस करना, ये बहुत बड़ी अपने आप में उपलब्धि में। ये बात इसलिए कहता हूं कि मूल्यांकन के पैरामीटर्स तय होने चाहिए। गुजरात के अंदर सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शीय विकास हुआ, वो मोदी जी का व्यक्तित्व का परिचय कराता है। गरीबी से गुजरे हुए बचपन के कारण, गरीब आदमी की कठिनाइयों और उसकी दिक्कतों से मोदी जी भली भांति परिचित थे। उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद संवेदनशील तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाएं कैसे बन सकती है और योजनाओं को बनाकर अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण लोगों के सामने दिया है। मित्रों, योजनाओं के बारे में मैं जरूर थोड़ी बात करना चाहूंगा। मोदी जी की योजनाओं का अनेक प्रकार का विश्लेषण हो सकता है, मगर उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया है। गुजरात के कृषि महोत्सव के मॉडल का जो स्टडी करेगा उसको मालूम पड़ेगा कि परिवर्तन किस प्रकार से आता है। गुजरात के कृषि महोत्सव की परंपरा ने सिद्ध कर दिया कि लोकतंत्र को जवाबदेह, लोकतंत्र में एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाया जा सकता है। हर गांव में कृषि महोत्सव का रथ पहुंचता था और जो सरकारी मदद लेने के लिए किसानों को तहसील लेवल पर और जिला लेवल पर बार बार जाना पड़ता था, वो सरकारी मदद उन्हीं के गांव के अंदर पहुंचाने की शुरुआत एक कृषि महोत्सव ने की। तो उन्होंने योजनाओं को लोकाभिमुख बनाया। मोदी जी ने योजनाओं के साइज और स्केल दोनों को बदलने का काम किया और योजनाओं को संपूर्ण समस्या के उन्मूलन की दिशा में प्रेरित किया। जैसे पहले योजनाएं बनती थी, इस बजट में इतने गांवों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने घरों के अंदर बिजली पहुंचाएंगे, इस बजट में इतने शौचालय बनाएंगे, इस बजट में इतने लोगों को स्वास्थ्य कार्ड देंगे। मोदी जी की योजनाओं का अगर आप स्टडी करेंगे तो अब संख्या नहीं होती, समस्या का संपूर्ण उन्मूलन होता है। देश में हर घर में बिजली पहुंचाएंगे, देश में हर घर में आज शौचालय पहुंचाएंगे, देश के हर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे, देश के हर घर में पीने का पानी नल से पहुंचाएंगे, समस्याओं का संपूर्ण उन्मूलन, ये उनकी योजनाओं का विशेषता रहा। और एक दृष्टि से साइज और स्केल दोनों को मोदी जी ने परिवर्तित किया है। उन्होंने कई प्रकार की योजनाओं की
इस प्रकार से लिया कि समग्र क्षेत्र को आप समग्र क्षेत्र का सुधार कर सके। मैं छोटा सा उदाहरण गुजरात के शिक्षा व्यवस्था के लिए उन्होंने किया इसका कहना चाहता हूं। जब गुजरात में मोदी जी मुख्यमंत्री बने तब हमारा ड्रॉप आउट रेशियो 42% था और एनरोलमेंट 68% था। मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कार्यक्रम हाथ में लिया, इससे एनरोलमेंट 70% हुआ और ड्रॉप आउट रेशियो 1% से भी नीचे चला गया। एक प्रकार से समस्या का संपूर्ण समाधान की दिशा में उनके कार्यक्रम भी बने, योजनाएं भी बनी। इसके बाद क्वालिटी सुधारने के लिए गुणोत्सव का आयोजन किया और आज मैं कह सकता हूं कोई क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी बोले, गुजरात की प्राइमरी एजुकेशन पूरे देश के लिए मॉडल है और गुजरात के अंदर ये परिवर्तन मोदी जी ने किया। और हम कई बार मोदी जी के कार्यक्रमों को पीसमिल पीसमिल टुकड़ों टुकड़ों में देखते हैं और इसका एनालिसिस करते हैं, कोई आर्टिकल दिखता है कोई इस पर बोलता है, मगर समस्त समस्या के समाधान के लिए जो आयोजन है, मैं भारत सरकार में उनके मंत्री बनने के बाद स्वास्थ्य के लिए उन्होंने जो अनेक कार्यक्रम कड़ीबद्ध रूप से लयबद्ध तरीके से बनाए हैं इसके बारे में जरूर कहना चाहूंगा। सबसे पहले उन्होंने स्वच्छता अभियान जो शुरू किया जो स्वास्थ्य के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, हर घर में टॉयलेट पहुंचाया, साफ सफाई के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू हुआ और स्वच्छता की संस्कृति को पुनर्जीवित किया। फिट इंडिया का मूवमेंट चलाया, वो भी स्वास्थ्य के लिए जुड़ा है। योग दिन और योग का महत्व पूरी दुनिया और देश में प्रस्तापित किया, वो भी स्वास्थ्य के साथ जुड़ा है। पोषण अभियान को उन्होंने महत्व दिया, वो भी बच्चे की इम्यूनिटी माता की इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड अभियान है। इसके बाद प्रोटेक्टिव तरीके से कुछ योजनाएं बनाई जैसे मिशन इंद्रधनुष, आयुष्मान भारत, ये दोनों योजनाओं ने बच्चों को सुरक्षित करना और हर व्यक्ति को 5 लाख तक की सभी स्वास्थ्य सेवाएं फ्री मिले, देश के 60 करोड़ लोगों के दिमाग पर से उनके सर पर से स्वास्थ्य का पूरा बोझ हटाने का काम किया। उसके बाद में एक सीरीज ऑफ वेलनेस सेंटर बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेकर आए जिसके तहत देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा और मेडिकल कॉलेज की स्थापना का उन्होंने जो परंपरा किया थ्रस्ट दिया, इसके कारण मैं एक ही आंकड़ा कहना चाहता हूं कि आज भारत में यूजी और पीजी दोनों क्षेत्रों में हम 2 गुना डॉक्टर बाहर हर साल बाहर आए इस प्रकार की स्थिति पर पहुंचे। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में सभी योजनाओं को कोई पिसमिल पिसमिल देखेगा तो उसका मूल्यांकन नहीं कर पाएगा, परंतु अगर आप उसको एक कड़ी में रखकर देखेंगे, एक बहुत बड़ी श्रृंखला की लड़ी के रूप में देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कितनी धैर्य के साथ सोचकर शुरू से योजना बनाई गई है और 8 साल के अंदर हर साल एक 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 चीज जुड़ती गई और समस्या का संपूर्ण समाधान की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। नीतियों के निर्धारण के लिए एक ऐसी सरकार के बाद मोदी जी की सरकार आई जिसको कहते थे कि पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार थी, मोदी जी ने 8 साल में नीतियां कैसे निर्धारित हो सकती है इसके लिए ढेर सारा दुनिया के सामने स्टडी करने का मटेरियल उपलब्ध कराया है। मैं बहुत सारी बात नहीं करना चाहता परंतु कुछ नीतियों की जरूर बात करें। भारत ने कभी भी अंतरिक्ष के लिए अपनी नीति बनाने का सोचा नहीं था, मोदी जी ने अंतरिक्ष की नीति बनाकर आज एक बहुत बड़ा बाजार भारत के लिए खुला है और मैं पूरे भरोसे से कहता हूं कि इस क्षेत्र में भी भारत ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है। ड्रोन की पॉलिसी देश में थी ही नहीं, अपार संभावनाएं पड़ी परंतु ड्रोन की पॉलिसी नहीं थी। पढ़े लिखे युवा भी थे, 130 करोड़ का मार्केट भी था और देश अब आधुनिकता को स्वीकारने के लिए नई चीजों को स्वीकारने के लिए तैयार भी बैठा है, मगर पॉलिसी के बगैर नहीं हो सकता था। ड्रोन पॉलिसी बनाकर एक नया बहुत बड़ा बिजनेस का स्पेस खोलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
उद्योग औद्योगिक प्रोत्साहनों की योजना को पीएलआई के अंदर अलग प्रकार से रखने का काम किया। स्वास्थ्य मैंने आगे बताया ही है, हेल्थ को बहुत मजबूती के साथ एक ठोस आधार प्रदान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मैं शिक्षा नीति पर जरूर कहना चाहूंगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैं बहुत आशान्वित हूं इस पॉलिसी से, मैंने बहुत बारीकी से इसका अध्ययन किया है। अब तक जितनी भी नेशनल पॉलिसी आई उन्होंने बच्चों के रोजगार की चिंता की थी, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने बच्चों की क्षमता को बढ़ाने के लिए थ्रस्ट दिया। व्यक्ति की कैपेसिटी, व्यक्ति की क्षमता अगर नहीं बढ़ती है तो वो बड़ा आदमी नहीं बन सकता। इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आप बारीकी से देखोगे तो हर बच्चे की क्षमताओं को अनंत संभावनाएं जो ईश्वर ने हमारे अंदर भरी पड़ी है उसको 100% बाहर लाने का एक प्लेटफॉर्म देने का काम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने किया है। और ढेर सारे शिक्षा शास्त्रियों ने बनाई हुई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी, ये भी वैसे शिक्षा शास्त्रियों ने ही बनाया है, परंतु हर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विवाद में पड़ी है। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए इस पर एक भी विरोध का सुर आज पूरे देश और दुनिया में सुनाई दे। इसका कारण है नीति बनाते वक्त गहराइयों के साथ जड़ से समस्या के समाधान के बारे में सोचने का मोदी जी का स्वभाव है। एग्रीकल्चर के अंदर भी ढेर सारे परिवर्तन हुए हैं और स्टार्टअप से लेकर कुछ इस प्रकार की पॉलिसी जो हुई है जिसमें हमारे देश के युवा को विश्व के युवा के साथ कंपटीशन करने का प्लेटफॉर्म, मंच मोदी जी ने उपलब्ध कराया है। मित्रों, ये पूरी चीजें इसलिए हो सकती है कि मोदी जी के कुछ व्यक्तिगत गुणों के बारे में भी मैं जरूर बात करना चाहता हूं। मोदी जी से बड़ा श्रोता मैंने देखा नहीं है मेरे जीवन में। मैं 40 साल से काम करता हूं, ढेर सारे नेताओं के संपर्क में भी आया हूं, मोदी जी से बड़ा श्रोता कोई नहीं है और सुनते भी एकाग्रता के साथ है। आप शायद बोलकर निकल जाओगे, भूल जाओगे, मगर 5 साल के बाद वो कहेंगे नहीं भाई पहले तो आपने ये कहा था अब ये कह रहे हो, क्या हो गया? तब जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि मैं पहले ये बोला था। बहुत धैर्य के साथ सुनना ये बहुत बड़ा उनका गुण है। दूसरी बात, एक अंग्रेजी कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वॉटर। व्यक्ति अपने आसपास का ही सोचता है, अपने परिवार जनों का ही सोचता है, परिवार के बाद समाज का सोचता है। यहां पर उल्टा है, उन्होंने कहावत को गलत साबित कर दिया है, इन्होंने समाज को ही अपना परिवार मानकर आगे बढ़े। देश की राजनीति में ऐसा नेता दूरबीन लेकर भी ढूंढ नहीं पाते जिसके परिवार को कोई जानता ही ना हो, परिवार के किसी व्यक्ति का नाम कहीं पर किसी ने सुना न हो। तो ब्लड इज थिकर देन वॉटर, ये कहावत को मोदी जी ने गलत साबित किया है। उनकी सोच की दिशा उद्यो दिशा है, वो हमेशा रचनात्मक तरीके से सोचते हैं, वो हमेशा उच्च लक्ष्यों की ओर सोचते हैं और वो हमेशा सबसे ज्यादा परिणाम लाने की सोचते हैं। ये उद्यो गति की सोच ने इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। संवेदनशीलता, छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में सोचना, देश के प्रधानमंत्री के नाते मैं एक छोटी सी चीज का उदाहरण कहना चाहता हूं। एक बहुत गंभीर मीटिंग चल रही थी, उस वक्त मैं पार्टी का अध्यक्ष था, मोदी जी के ऑफिस में मीटिंग चल रही थी, एक मयूर आया और उसने कांच की दीवार पर जोर से अपनी चोंच मारना शुरू कर दिया। 2-3 मिनट तक ये प्रक्रिया चली, मोदी जी ने घंटी बजाई, किसी को बुलाया और कहा कि भाई इसका दाना आज नहीं डाला गया है, जरा चिंता करो, ये भूखा है। देश के प्रधानमंत्री को ये सोच, इतनी बड़ी मीटिंग में आना, ये बताता है कि कितने संवेदनशील व्यक्ति है, अनन्य राष्ट्रभक्ति। मित्रों, मैंने मोदी जी के साथ सालों से काम किया है, मैं बेरोक टोक किसी झिझक के बगैर कह सकता हूं हर सोच में देश की सोच सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा है।
और इसीलिए आज 130 करोड़ की आबादी के मन में विश्वास है जब देश की शताब्दी मनाई जाएगी हम एक महान भारत को देख पाएंगे। ये जो आत्मविश्वास 130 करोड़ में प्रत्यारोपित करने का काम नरेंद्र मोदी कर पाए हैं क्योंकि उनके खुद के अंदर अनन्य राष्ट्रभक्ति से कूट कूट कर ईश्वर ने उनको बनाया है। मित्रों, और प्रामाणिकता पारदर्शिता इसके बारे में मोदी जी के विरोधी भी उन पर कोई आरोप नहीं कर सकते। नीतियों की निर्धारण के लिए कभी जल्दबाजी नहीं करते हैं मगर उसके इम्प्लीमेंटेशन में उसको लागू करने में इनकी जो दृढ़ता है ये दृढ़ता अच्छे अच्छों को आश्चर्यचकित करने वाली। मैं कई बार अचंभित रह सकता हूं इतने विरोध के बावजूद भी कैसे कोई आदमी डट कर रह सकता है जब कोई 6 महीने के बाद वोट लेने के लिए जाना है। मैंने उनकी नीतियों के लिए एक शब्द प्रयोग किया है कि मोदी जी की सरकार लोगों को अच्छा लगे ऐसा फैसला नहीं लेती है, मोदी जी की सरकार लोगों को अच्छा लगे ऐसे फैसले नहीं लेती है, मोदी जी की सरकार लोगों के लिए अच्छे हो ऐसे फैसले लेती है। वोट के लिए राजनीति नहीं करना, व्यापकता बहुत है, हर सोच के अंदर आप व्यापक दृष्टिकोण का अनुभव करते हो। दलित आदिवासी गरीब और पिछड़ों के लिए अथाह प्रेम अथाह संवेदनशीलता और उनके कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहना ये उनकी सोच की विशेषता है। आर्थिक सुधार और टेक्नोलॉजी को भारत के अनुरूप बनाकर भारत सरकार में लाने का काम सबसे पहले देश में अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं टेक्नोलॉजी और आर्थिक सुधारों को भारतीय वातावरण और भारतीय जरूरियातों के अनुरूप सांचे में ढालकर सरकार के अंदर प्रस्तापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये व्यापकता का अनुभव अगर किसी को करना है तो सुरक्षा के मामले में आज सोमवार को मोदी जी के विचार सुन सकते हैं, मंगलवार को ग्लोबल वार्मिंग पर भी सुन सकते हैं। महिला कल्याण पर बात करते हुए इतनी ही तन्मयता से बात करेंगे, पोषण अभियान के लिए बात करेंगे तो तुरंत स्टार्टअप पर ही इतनी विशदता के साथ वो बात करेंगे। गरीब कल्याण और नई शिक्षा नीति, आरोग्य और विदेश नीति। विदेश नीति के अंदर मैं जरूर कहना चाहता हूं, वैसे जयशंकर जी की उपस्थिति में कहना मुश्किल है क्योंकि मेरा नजरिया थोड़ा अलग प्रकार का होता है, परंतु भारत की विदेश नीति और भारत की रक्षा नीति के बीच में बड़ी घालमेल चल रही थी। कभी भारत की रक्षा नीति विदेश नीति की परछाई से बाहर नहीं आ सकती। मोदी जी की विदेश नीति ने प्रस्तापित कर दिया कि हम सबके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं मगर हमारे लिए भारत की सुरक्षा ये हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। ये स्पष्टता इतनी क्लैरिटी के साथ 7 दशक के अंदर किसी भी नेता ने दिए नहीं। मित्रों, खुद के लिए काम करने वाले नेता जब काम करते हैं तो अपने नाम के लिए करते हैं, अपने कार्यकाल में बहुत कुछ अच्छा हो इसके लिए करते हैं। एक दृष्टि से मोदी जी के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसा कह सकते हैं क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत सारी अच्छाइयां हुई, मगर मोदी जी जब आजादी का अमृत महोत्सव का प्लान लेकर आए तब उनको कोई ऐसा नहीं कह सकता, इसलिए क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव मोदी जी की उपस्थिति में हो रहा है। उन्होंने अमृत महोत्सव से शताब्दी तक के काल को अमृत काल और संकल्प सिद्धि का काल करकर 25 साल के बाद महान भारत की रचना उसका लक्ष्य रखकर ये साबित कर दिया है कि ये व्यक्ति केवल और केवल भारत की महानता के लिए सोचता है। मित्रों, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड के बगैर, कोई अकस्मात के बगैर, कोई राजनीतिक उठापटक के बगैर एक व्यक्ति जनता का मैंडेट लेकर प्रधानमंत्री बनता है। बार बार चुनाव में जनता उनको अनुमोदन करती है और उसके बाद में वो फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनकर आता है, तब स्वीकारना पड़ेगा कि भारत की जनता ने मोदी जी को स्वीकारा है, भारत की जनता मोदी जी को मन से प्यार करती है। मोदी जी ने आजादी के बाद हमारे पूरे देश के नेता भाषा की लघुता ग्रंथि से पीड़ित होते थे, उनको लगता था
कि हिंदी में बोलने से मेरे लिए क्या सोचेंगे, और विशेषकर ऐसे ऑडियंस के अंदर। मोदी जी ने धड़ल्ले से दुनिया भर में हिंदी का प्रयोग कर ये बता दिया कि भाषा किसी व्यक्ति के गुणों का परिचायक नहीं हो सकती, भाषा अभिव्यक्ति है। व्यक्ति कितना क्षमतावान है वो भाषा पर से निर्धारित नहीं हो सकता, भाषा तो केवल अभिव्यक्ति है। और उन्होंने नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर भारतीय भाषाओं को एक नया आयुष्य देने का और बढ़ावा देने का काम किया है, इसके लिए मैं उनको लाख लाख साधुवाद दूंगा। उन्होंने जनता का भरोसा जीता है। कोरोना काल था, सब लोग लॉकडाउन में अंदर थे, मैं गृह मंत्रालय जा रहा था, बाहर एक माई खड़ी थी तो मैंने गाड़ी रोक दी रकाबगंज गुरुद्वारा के सामने और पूछा, माई कोरोना का डर नहीं लगता, क्यों निकले हैं आप? उन्होंने कहा, कुछ काम से बाहर आई हूं, मगर मोदी है ना, कुछ नहीं होने वाला है। और मित्रों, शास्त्री जी के बाद मैंने पहली बार देखा कि कोई व्यक्ति कोई भी सरकारी आदेश के बगैर ये कह दे कि हम 24 घंटा बाहर नहीं निकलेंगे, हम आज दिया जलाएंगे, हम आज घंटी बजाएंगे, हम हमारे कोरोना वॉरियर का स्वागत करेंगे, और पूरा देश एक नेता के कहने पर अपने आप को घर में बंद कर ले, ऐसी स्वीकृति शायद ही किसी नेता के पास में नहीं। ये भरोसा जो बना है वो कर्तृत्ववान जीवन के कारण बना है, ये जो भरोसा बना है ये निस्वार्थ जीवन के कारण बना है, ये भरोसा जो बना है अनन्य राष्ट्रभक्ति पर लोगों ने भरोसा किया है। इसीलिए मोदी जी आज देश के बिन विवादास्पद देता है और दुनिया भी उनको स्वीकार करती है। मेरी पार्टी की भी मैं जरूर बात करना चाहूंगा, पार्टी के अंदर कई प्रकार के नेता होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, मगर संगठन और सरकार दोनों में यशस्वी तरीके से काम करने वाले एकमात्र नेता श्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने संगठन को भी ऊंचाइयों तक ले गए। जब महासचिव थे तब संगठन पर्व, हमारे पार्टी के चुनावों को संगठन पर्व नाम दिया, सदस्यता अभियान चलाया, सदस्यता का पहली बार डॉक्यूमेंटेशन गुजरात में करने का काम किया, उसको बूथ वाइज करने का काम किया, और एक अभेद शक्ति, अजय शक्ति संगठन की उन्होंने बनाने का काम किया। उनके नेतृत्व में पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी, सबसे ज्यादा राज्यों में काम करने वाली पार्टी बनी, और कई प्रकार के मिथक जो भारतीय जनता पार्टी के लिए चलाते थे कि हिंदी भाषियों की पार्टी है, हम गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक, आसाम से लेकर मणिपुर तक कई राज्यों में जब सरकार बनाए, ये मिथक टूट गया। वो कहते थे अर्बन पार्टी थे, गांव के अंदर भी अप्रत्याशित एक के बाद एक विजय जब मिलना शुरू हुए, ये मिथक को भी हमने तोड़ दिया। ये कहते थे कि किसानों की पार्टी नहीं है, ढेर सारे कोऑपरेटिव्स और स्थानीय इकाइयों के चुनाव में जब किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को चुनकर भेजा, तब ये सिद्ध हो गया कि भारतीय जनता पार्टी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और हर समाज के वर्ग की पार्टी है, वो भी मोदी जी की नेतृत्व में ही हुआ है। मोदी जी ने पार्टी को वैश्विक पहचान देने का काम किया है। और मित्रों, सर्वश्रेष्ठ, जब आपको सर्वश्रेष्ठ देना होता है तो खुद को समर्पित करना होता है। मोदी जी ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया भी है और खुद को समर्पित भी किया है। मैं अंतिम एक बात कहकर मेरी बात को समाप्त करूंगा। मोदी जी का कोई मुझे कहेगा कि सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, इनके 50 साल के सार्वजनिक जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या है? मित्रों, मैं समाज जीवन के अंदर बहुत कम उम्र से डेमोक्रेटिक सिस्टम, इलेक्शन और हमारी डेमोक्रेटिक परंपराओं का विद्यार्थी रहा हूं। 2012 में, 2014 में और 12 से 14 के बीच में एक ऐसा कालखंड आया था कि पूरे देश की श्रद्धा हमारी मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम पर से उठ गई थी। लोग सोचने लगे थे कि व्यवस्था फेल हो चुकी है, ये व्यवस्था देश को आगे नहीं ले जा सकती है। उस वक्त मोदी जी को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया,
जनता ने गुजरात के उनके गवर्नेंस के बैकग्राउंड पर उनको देश का नेता चुना, प्रधानमंत्री बनाया, और अब आज हमारी जनता के अंदर कोई असमंजस नहीं है कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम डिलीवर कर सकती है या नहीं कर सकती है। उन्होंने लोकतंत्र के प्रति सबकी आस्थाओं को पाताल तक गहरी पहुंचाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज हम सब यहाँ पर एक राष्ट्रीय नेता, एक लोकप्रिय नेता और एक वैश्विक नेता के जीवन का मीमांसा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, उनको जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मगर मैं कह सकता हूँ, शब्द या कोई पुस्तक इसका वर्णन नहीं कर सकता। उनको युवाओं ने विशेषकर ध्यान से देखना चाहिए, और मोदी जी के रास्ते पर चलना है तो ढेर सारा परिश्रम, परिश्रम की पराकाष्ठा और स्व को पिघाल कर काम करने की आदत डालेंगे, तभी इस रास्ते पर चल सकते हैं। मुझे बोलने का मौका देने के लिए प्रकाशक का धन्यवाद करता हूं। थोड़ा समय ज्यादा हुआ है, इसलिए महामहिम जी से क्षमा मांगकर मेरी बात को पूरा करता हूं। वंदे मातरम।